नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी जीके के टॉप 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं और आज का हमारा चैप्टर है महान एवं प्रसिद्ध व्यक्ति। इससे बनने वाले आपको 25 प्रश्न कराने वाला हूं और आपको वही प्रश्न करा रहा हूं जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाते और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। साथियों, चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और उसे पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपी जीके के 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉप 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है आपके सामने, गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो कौन से जनपद में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो ये हुआ था सिद्धार्थनगर जनपद में और आप जानते हैं कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी पड़ता है नेपाल और सिद्धार्थनगर जनपद के बॉर्डर पर। तो यहाँ पर नेपाल, अगर नेपाल ऑप्शन होता तो नेपाल मान लेते, यहाँ पर सिद्धार्थनगर ऑप्शन में तो सिद्धार्थनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था ये दिया था सारनाथ में। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी आप जो लोग हमारे चैनल का सपोर्ट नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो निजामुद्दीन औलिया इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बनायू जनपद में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है आपके सामने कि जियाउद्दीन बरनी किस जनपद का निवासी था? तो कौन से जनपद का रहने वाला था जियाउद्दीन बरनी? तो ये बुलंदशहर, कहाँ के? बुलंदशहर। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो कहाँ पर हुई थी? तो ये प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि आमिर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो कौन से जनपद में हुआ था आमिर खुसरो का जन्म? तो इनका जन्म हुआ था कासगंज में। कहाँ पर? कासगंज में। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो बीरबल का जो जन्म हुआ था वो यहाँ पर जनपद का नाम तो दिया नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था और कालपी पड़ता है जालौन जनपद में, तो यहाँ पर जालौन होना चाहिए था। तो जालौन इसका राइट आंसर हो जाता है बेशर्ते ये दिया गया है कालपी, तो कालपी हम इसका राइट आंसर मान लेंगे, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि राजा टोडरमल का संबंध किस जनपद से है? तो कौन से जनपद से है राजा टोडरमल का संबंध? तो इनका जो संबंध है वो है सीतापुर से। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो कौन से क्षेत्र में की थी? तो राजा टोडरमल ने ख्याति यानी प्रसिद्ध थे ये भू राजस्व के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि अबुल फजल का जन्म किस जनपद में हुआ था?
तो अबुल फजल, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आगरा में। ऑप्शन नंबर ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि शेख फैजी का संबंध किस जनपद से है। तो शेख फैजी जो इनका संबंध है ये है आगरा से। कहाँ से है? आगरा से है शेख फैजी का संबंध। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई। तो कहाँ पर की गई थी? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था। तो किन के साथ हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का विवाह? तो गंगाधर राव के साथ में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि अजीजन बेगम का संबंध किस जनपद से है। तो कौन से जनपद की रहने वाली थी अजीजन बेगम? तो इनका जो संबंध है वो है लखनऊ जनपद से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लखनऊ से बेगम हजरत महल का भी संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया। तो कहाँ से किया था? तो इन्होंने जो नेतृत्व किया था वो किया था लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो क्या था? तो नाना साहब इनका जो वास्तविक नाम था वो था धोंदू पंत। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया। तो कहाँ से किया था? तो नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कानपुर से। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे जो इनका मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया। तो कहाँ से किया था? तो तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था झांसी से। कहाँ से? झांसी से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने भी नेतृत्व किया था, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि जो तात्या टोपे ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही थे, तो इनका जो राइट आंसर बन जाएगा वो झांसी से इन्होंने किया था। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस जनपद में हुआ। तो पंडित मदन मोहन मालवीय इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था मोतीलाल नेहरू का जन्म, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। तो किसने किया था? तो स्वराज पार्टी जो इसका जो गठन किया था वो किया था सी आर दास ने। किसने? सी आर दास ने। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया गया। तभी पूछा गया था कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो आप ये पूछा कहाँ पर किया गया था।
तो स्वराज पार्टी जो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली यूपी जीके की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे यूपी पुलिस के कॉन्स्टेबलों।